धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी मोक्ष की नगरी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ प्राण त्यागने वाले हर इंसान को भगवान शंकर खुद मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे में काशी के अति प्राचीन पिशाच मोचन कुंड का त्रिपिंडी श्राद्ध 14 सितंबर पूर्णिमा के दिन से शुरू हो गया। मान्यता के अनुसार काशी के प्राचीन पिशाच मोचन कुंड पर होने वाले त्रिपिंडी श्राद्ध से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद विकारों से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी का यह तीर्थ पूरे उत्तर भारत का विमल तीर्थ है। इस पवित्र तीर्थ पर संस्कृत के श्लोकों के साथ तीन मिट्टी के कलश की स्थापना की जाती है, जो काले, लाल और सफेद झंडों से सजाए जाते हैं। इसको भगवान शंकर, ब्रह्म और कृष्ण के ताप्तिक रूप में मानकर तर्पण और श्राद्ध का कार्य किया जाता है। इस पिशाच मोचन तीर्थ स्थल का वर्णन गरुण पुराण में भी वर्णित है। पुजारी के माने तो यहाँ अपने पितरों के साथ साथ अन्य पिशाच बाधाएं भी दूर की जाती हैं। आज से पितरों की श्राद्ध शुरू होती है, पितर पक्ष आज से लग गया है और पितरों का ही पूजा यहाँ होता है। कितने तारीख से कितने तारीख तक व्रत रहेगा और क्या इसका ये आज से लेके आज 14 से लेके 28 तारीख तक रहेगा और 15 दिन तक लगातार इनके जी पूजा होगी। पिचास मोचन बहुत पुराना है, यहाँ पूर्वजों का सूर्य से ही पितरों का ही पूजा होता है। यहाँ पारण श्राद्ध, गया श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि सभी श्राद्ध इसी में होते हैं। मान्यता क्या है? मान्यता पुराना मान्यता है, अब जो है पिचासों से जो है मुक्ति के लिए लोग यहाँ पूजा करते हैं। हाँ, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और इसके बाद कहाँ जाते हैं? यहाँ से गया जाते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं। पितृपक्ष के अवसर पर तीर्थ स्थली पिशाच मोचन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि पितरों को मरने के बाद विकारों से मुक्ति मिल जाती है। काशी में आज से पूर्णिमा से कुछ लोग अनंत चतुर्दशी से कहते हैं कि पितृपक्ष जो है शुरू हो रहे हैं। 11.5 महीने तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन 15 दिन पितरों के नाम से उनके स्मरण करें, उनका आवाहन करें और उनको मोक्ष गति हेतु जो है तिल तर्पण, जल तर्पण, वार्षिकी श्राद्ध अभी तक करते आए हैं। और प्रयागराज हम गए, प्रयाग पहले घर में, जन्म स्थान में, पूर्वजों के जन्म स्थान में, अपने ननिहाल में वो सब पिंडदान करके प्रयागराज में आए। प्रयागराज में हमने पिंडदान किया, आज पिशाच मोचन में हैं, यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं कि अब वो पिशाच योन प्रेत योनि से जो भी हमारे पूर्वज वंश के हों मुक्त हों और पितृगण मन के हमारे साथ गया जी चले। अब हम आज जो है यहाँ से गया का प्रस्थान करेंगे और वहाँ पे विधि विधान से जो 45 वेदियाँ हैं वहाँ पूर्वजों का पिंडदान करेंगे और उनका आवाहन करेंगे कि हे पितृदेव हमें आशीर्वाद दें और आप पितृगण से अब पितृदेव बन जाएं और हमारे परिवार की रक्षा करें। उन्होंने हमको जन्म दिया और अगर इतना करने के बाद हमको ये संतोष होता है कि हमने उनके लिए कुछ किया तो उस संतोष की प्राप्ति हेतु हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 12 महीने चैत्र से फाल्गुन तक 15-15 दिन का शुक्ल और कृष्ण पक्ष का होता है, लेकिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। पितृपक्ष के 15 दिन पितरों की मुक्ति के माने जाते हैं और इन 15 दिनों के अंदर देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर श्राद्ध और तर्पण का कार्य होता है। वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।